हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम सभी चैप्टर में आप सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर को डिस्कस करने के बाद आज हम सभी आपकी टॉपिक बक्कल कैविटी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली टॉपिक होगी, फर्स्ट टॉपिक जिसे हम बक्कल कैविटी हिंदी में मुख गुहा कहेंगे, जो क्लास टेंथ के चैप्टर देव प्रकरण से है। इनके बारे में, इनके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, बक्कल कैविटी में कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बक्कल कैविटी के बारे में अगर देखें तो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर तीन संरचनाएं मौजूद हैं। नंबर एक टीथ या दांत, और नंबर दो टंग यानी जीभ, और नंबर थ्री जिसे हम कहेंगे सैलाइवरी ग्लैंड। मैंने आपको उस फिगर में भी बताया था समझाते समय कि हमारे दांत के अंदर दांत, जीभ और सैलाइवरी ग्लैंड, यानी हमारे सभी पूरे बक्कल कैविटी में दांत, जीभ और सैलाइवरी ग्लैंड, ये तीन संरचनाएं पाई जाती हैं। इन तीन संरचनाओं को हम मुख गुहा के अंतर्गत पढ़ते हैं, और तीनों संरचनाएं पाचन में सहायता करती हैं और पाचन के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो आज हम इन तीनों संरचनाओं के बारे में ढंग से डिस्कस करेंगे कि टीथ क्या है, टंग क्या है और सैलाइवरी ग्लैंड क्या है। आप सभी को इन सारे डाउट्स, टीथ, टंग्स और सैलाइवरी ग्लैंड से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दांत क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका कार्य क्या है, ठीक है, और इसके अलावा जीभ क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, साथ में सैलाइवरी ग्लैंड क्या है, इसकी संरचना क्या है और कार्य क्या है। तो आप सभी एक एक करके समझेंगे कि हम सबसे पहले टीथ को समझते हैं कि दांत क्या है। तो दांत की अगर हम बात करें, दांत का निर्माण कैल्शियम से होगा, कैल्शियम तथा फास्फोरस से मिलकर बना होता है। एक हार्डेस्ट मटेरियल हमारे बक्कल कैविटी का होता है, जो हमारे पूरे पाचन तंत्र में भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल्स को काटने, फाड़ने, चीरने और चबाने का कार्य करता है। दांत हमारे शरीर में एक बहुत ही पाचन तंत्र का मुख्य अंग है, जिसका निर्माण कैल्शियम तथा फास्फोरस से होता है। अगर हम प्रकार की बात करें तो दांत चार प्रकार का होता है। नंबर एक इंसेजर, नंबर दो कैनाइन, नंबर थ्री प्रीमोलर और नंबर चार मोलर्स। ये चार प्रकार के दांत ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। हिंदी में हम इंसीजर को कृंतक, कैनाइन को रदनक, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक तथा मोलर को चवर्णक कहते हैं। इनका शेप भी अगर हम देखें तो अगर इंसीजर को देखें तो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में आपके सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है। रदनक जो आपको लोब्ड में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम भी आगे इसकी संरचना देखते हैं तो आगे के दो दांत आपके इंसेजर होंगे, उसके बगल के दो दांत कैनाइन होंगे, फिर उसके बाद के दो दांत आपके अग्रचवर्णक और चवर्णक होंगे। अगर हम उनके कार्य देखें तो इंसेजर का कार्य होगा काटना और फाड़ना, ठीक है, तबकि कैनाइन का कार्य होगा काटना और चीरना, अग्रचवर्णक का कार्य होगा चबाना तथा चवर्णक का भी कार्य होगा चबाना। दोबारा रिवाइज करेंगे, हमारे शरीर में दांत चार प्रकार के होंगे, इंसेजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसेजर कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसीजर का शेप अगर हम देखें तो आपके सामने बना हुआ है, इसका कार्य होगा काटना फाड़ना, रदनक का कार्य होगा काटना चीरना, अग्रचवर्णक का कार्य होगा चबाना और चवर्णक का भी कार्य होगा चबाना। इस प्रकार हमारे शरीर में 20 अगर हम बात करें तो 32 टीथ प्रेजेंट हैं, जिसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये हमारे अपर फैरिंग्स और लोअर फैरिंग्स, ऊपरी जबड़े तथा निचली जबड़े दोनों में, ऊपरी जबड़े और तथा निचली जबड़े में दोनों में मौजूद होते हैं। ऊपरी जबड़े में अपर मैक्सिपल और मैंडिबल दोनों फैरिंग्स में मौजूद होते हैं। ये पूर्णतः हमारे भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने और चबाने का कार्य करते हैं। हम अगर इनकी संरचना देखें, एक टीथ की संरचना को देखा जाए तो पूरे दांत की संरचना को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अपर पार्ट पॉइंटेड होता है, जिसे हेड, बीच का भाग नेक तथा सबसे नीचे का भाग रूट, या इसी को दूसरे नाम से गम भी कहते हैं।
अपर भाग और मिडिल यानी अपर हेड तथा नेक भाग हमें बाहरी संरचना में दिखाई देता, जबकि रूट और गम्स वाला भाग हमें संरचना में दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा भी हम देखें तो दांत के ऊपर सबसे ऊपरी परत व्हाइट कलर की या कहेंगे मिल्की व्हाइट कलर की एक पतली सी परत है, इसे इनेमल कहते हैं। इनेमल के नीचे दुधिया कलर की परत पाई जाती है जो लार्जेस्ट अमाउंट में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा संख्या जो आपके ऑरेंज कलर की बनाई गई है या आपके डेंटाइन है, और दांत अंदर की तरफ धस कर एक कैविटी बनाता है, इसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। इनेमल को हम अगर बात करें तो इनेमल क्या है, हार्डेस्ट, इनेमल इज हार्डेस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनेमल की अगर हम बात करेंगे तो इनेमल हमारे शरीर की सबसे कठोर परत में से एक है, यानी हमारे शरीर में सबसे कठोर परत कौन सी है, इनेमल। उसके नीचे की संरचना डेंटाइन और नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है। अगर हम यहाँ तक की संरचना को देखें तो ये संरचना हमारे टीथ की ऊपरी संरचना है जो हमें दिखाई देती है, जबकि इसके नीचे का भाग हमें मसूड़ों या गम में पाया जाता है, इसे हम रूट या गम भी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा टीथ जो है एक क्लोज रूटेड होता है, यानी अधिक समय यानी बचपन से लेकर कुछ समय तक ओपन रूटेड होता है और पुनः क्लोज रूटेड हो जाता है। इससे बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो हमारे दांतों को पोषण प्राप्त किया करती हैं। अगर हम दो चीज़ों की बात करें, रैट और रैबिट की, रैट रैबिट एंड अपर, रैट रैबिट एंड अपर कैनाइन टीथ ऑफ एलिफेंट, रैट रैबिट एंड अपर कैनाइन टीथ ऑफ एलिफेंट, इन तीनों की अगर हम बात करें, चूहे का दांत, ठीक है, चूहे का दांत, रैबिट यानी खरगोश का दांत, अपर कैनाइन टीथ ऑफ एलिफेंट, और हाथी का अग्रचवर्णक, हाथी का सबसे बाहरी कैनाइन दांत। ये तीन चीजें एक ऐसे दांत होते हैं, लेकिन इन जीवों में कुछ ऐसे दांत होते हैं जो जीवन पर्यंत ओपन रूटेड होते हैं, यानी खुले जड़ों वाले, जिससे आप देखें तो रेड रैबिट हमेशा जीवन पर्यंत किसी न किसी वस्तुओं को काटते रहते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी में कुछ समय के बाद दांत की ये रूट्स बंद हो जाती हैं, पल्प कैविटी बंद हो जाती है और न्यूट्रिशन ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलता, जिससे हमारी दांतों की साइज बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये थे आपके दांत, दांत का कार्य भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जीभ के बारे में या टंग के बारे में, जीभ क्या है। जीभ के बारे में अगर हम बात करें, एक लचीली संरचना है जो सेंसरी ऑर्गनों की बनी है। इसमें अगर हम देखें तो इसका कार्य क्या है, भोजन को मिक्सअप करना, मिलाना तथा स्वाद का पता लगाना। अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो अगर हम एंटीरियर, ये आपका एंटीरियर साइड नीचे की तरफ, ये आपका पोस्टीरियर साइड है। अगर हम एंटीरियर साइड में देखें तो हमारे एंटीरियर साइड में राइट साइड में स्वीट टेस्ट एरिया, जबकि लेफ्ट साइड में साल्टी टेस्ट एरिया पाया जाता है। स्वीट टेस्ट एरिया हमें मीठा स्वाद बताता है, जबकि साल्टी टेस्ट एरिया हमें नमकीन स्वाद बताने का कार्य करता है। स्वीट और स्वीट टेस्ट एरिया ज़्यादा सक्रिय होता है, जबकि साल्टी टेस्ट एरिया इसकी अपेक्षा थोड़ा कम सक्रिय होता है। एक बार समझेंगे, हमारे राइट साइड में जीभ के एंटीरियर साइड में, जीभ के एंटीरियर राइट साइड में स्वीट टेस्ट एरिया पाया जाता है, जिसे मीठा स्वाद बताने का कार्य करता है, जबकि लेफ्ट साइड में साल्टी टेस्ट एरिया पाया जाता है जो नमकीन स्वाद बताने का कार्य करता है। इसके अलावा पूरे जीभ की संरचना पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ग्राही पाए जाते हैं, जो अन्य स्वाद को बताने का कार्य करते हैं। पोस्टीरियर साइड में ये रिसेप्टर्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जो तीखे तथा अन्य स्वादों को बताने का कार्य करते हैं। जीभ अगर हम बात करें तो जीभ हमारी पोस्टीरियर साइड में जुड़ी होती है तथा एंटीरियर साइड में मूव करती है। जीभ की संरचना आपके सामने बनी हुई है। इसके अलावा जीभ की अगर हम बात करते हैं तो जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है, इस बात को बिल्कुल नोट करेंगे, जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन का अर्थ क्या है, ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ती है और हमारे स्वाद का तुरंत पता लगाती है और हमें इस स्वाद का ग्रहण कराती है कि ये मीठा नमकीन या अन्य प्रकार का स्वाद है। इसके अलावा हम लाल ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड की
बात करेंगे। तीसरे नंबर पे सैलाइटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो नंबर एक थ्री प्रीऑप्स सैलाइटरी ग्लैंड। हमारे पूरे पाचन तंत्र में तीन जोड़ी सैलाइटरी ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनकी संख्या तीन है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान भी आपको बताया था। और सिक्रीट सलाइवा, इनका वर्क क्या है, ये केवल सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, यानी हमारे पूरे पाचन तंत्र में ये जीवन पर्यंत इनका एक ही कार्य है कि लार का श्रावण कराना। इनका अमाउंट क्या है, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी में लार का अमाउंट देखें तो पूरे दिन में 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर लार का श्रावण कराती हैं। इनकी संख्या तीन पेयर्स है। अगर और भी बात करें तो लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, केवल दो एंजाइम लार में प्रेजेंट हैं, एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम ये दो एंजाइम भी हमारे लार ग्रंथि या लार में पाए जाते हैं। दो रिमार्क भी आपको यहाँ जानना जरूरी है, लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम इज वेरी वेरी स्लोएस्ट एंजाइम ऑफ द नेचर, पृथ्वी या प्रकृति का या पूरे ब्रह्मांड जगत का सबसे स्लो यानी सबसे धीरे कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम अगर सक्रिय होता तो हम क्या करते हैं, सुबह उठकर अपने दांतों को साफ करते हैं। अगर लाइसोजाइम सक्रिय होता तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड कर सकता था, इसका वर्क ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करना। लेकिन इसका प्रकृति यानी इसका कार्य करने का तरीका बहुत ही स्लोएस्ट है, बहुत ही धीरे कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति का सबसे धीरे कार्य करने वाला एंजाइम लाइसोजाइम होता है। एक रिमार्क आपने और लिखा है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजनेज, पाइरूवेट डीहाइड्रोजनेज एक ऐसा एंजाइम है मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऑफ द नेचर, पृथ्वी का सबसे कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऑफ द नेचर कौन सा है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजनेज। एक एंजाइम आपका और आता है टाइलिन, टाइलिन लार में ही पाया जाता है। टाइलिन की अगर हम बात करें तो ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, यह भी हमारी लार में ही पाया जाता है। इस प्रकार से एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर कि हमारे बक्कल कैविटी में तीन अंग पाए जाएंगे, टीथ, टंग और सैलाइटरी ग्लैंड। टीथ की अगर हम बात करें तो ये चार प्रकार के हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनकी संरचना की अगर हम बात करें तो ये हेड, नेक और रूट में बटे होते हैं, जबकि इनेमल इसका सबसे बाहर परत है जो सबसे हार्डेस्ट प्लस आपका ह्यूमन बॉडी। इसके नीचे डेंटाइन की परत पाई जाती है और अंदर की तरफ एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हम अगर जीभ की बात करेंगे टंग की, तो टंग क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, इसमें बहुत सारे स्वेट टेस्ट एरिया, साल्टी टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया पाए जाते हैं जो हमें जीभ से स्वाद बताने तथा भोजन को मिक्सअप करने का कार्य करते हैं। अगर हम सैलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे तो इसका मुख्य कार्य है सैलाइवा का सिक्रीशन करना। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 1.5 से 2 लीटर सैलाइवा पर दिन यानी 24 घंटे में सिक्रीट होता है, तथा इनमें दो एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं। तो अपेक्षा है कि आप सभी को ये बक्कल कैविटी का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।